हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, यस बैंक के बारे में 6 बिग न्यूज़ है जो कि जानना ज़रूरी है आप लोगों को, जो लोग यस बैंक को होल्ड कर रहे हैं या ट्रैक करते हैं। उसके पहले बता दूं, अगर आपको 2 डेज से 10 डेज में अगर आपको 10% से 15% से 20% प्रॉफिट देने वाला शेयर चाहिए, जैकपॉट शेयर, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, यस बैंक ने आज अपना 52-week हाई ब्रेक किया, 24 रुपीज़ पर क्लोजिंग दिया है, जबकि 52-week हाई था 24 रुपीज़ 40 पैसा। आज ज़बरदस्त 3-4 दिन में ही अराउंड 40% का इसने प्रॉफिट दे दिया है। आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे, और ये भाग क्यों रहा है उसकी भी बात करेंगे। नंबर वन रीज़न कि इसका प्रॉफिट लगातार अच्छा आ रहा है और कंपनी अभी यस बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है। नंबर टू, जेसी फ्लावर के साथ में बैंक ने टाई अप किया है एंड ARC फॉर्म की है, जो कि इसका नेट NPA को कम करने में इस यस बैंक को हेल्प करेगी। नंबर थ्री, NPA बैंक का लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर कम हो रहा है, यह भी पॉजिटिव इंडिकेशन है यस बैंक के लिए। नंबर फोर, $1 बिलियन का फंड रेजिंग यस बैंक टारगेट कर रही है, और उसमें से करीब करीब 5,000 करोड़ का अप्रूवल आ चुका है, जो कि एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लिन, इन दो कंपनियों ने यस बोला है यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। फंड आएगा तो कंपनी लोन्स ज़्यादा बांट सकेगी और फाइनली प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखेगा, रेवेन्यू भी बढ़ते दिखेगा यस बैंक का। यही न्यूज़ के कारण भी तेज़ी देखने को मिली। और फ्रेंड्स, एक निगेटिव वार्निंग आपके लिए यह है, और फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट यह है कि यस बैंक टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड कंपनी के लिस्ट में शामिल हो चुका है आज। जी हाँ, इंडिया की मोस्ट 100 मोस्ट वैल्यूड कंपनी के लिस्ट में यस बैंक भी आज शामिल हो चुका है। इस न्यूज़ के कारण भी तेजी आई आज। तो ये 5 पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स लोगों ने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उनका लॉक इन पीरियड मार्च 2023 में ख़त्म हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्च के बाद में यस बैंक के शेयर्स में हमें देखने को मिलेगी। बट उसको अभी टाइम है, शॉर्ट टर्म में यस बैंक अभी भी अपर मुंह दिखा सकता है, तो जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगाकर यस बैंक में रख सकते हैं, और जो लोगों ने काफ़ी दिनों से होल्ड किया हुआ है उनके प्रॉफिट आ चुका होगा, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से 25 रुपीज़ से 30 रुपीज़ तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में यस बैंक दिखा सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अभी अच्छा ज़्यादा अभी तेज़ी देखने को मिल रही है, और यस बैंक में पॉजिटिव न्यूज़ आने के कारण यस बैंक में भी अच्छी खासी तेज़ी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत पैसा लगा कर आप भूल सकते हैं यस बैंक में, जो कि आपको अभी शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।